प्यारे बच्चों, आज हम सेवन्थ क्लास की ड्राइंग का ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 10 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और आधार कोण बी के समान दिया हो। हमारे पास एक रेखा ए बी दी गई है और आधार कोण बी के समान दिया गया है। सबसे पहले तो जो हमारे पास दिया गया है उसको हम बना लेंगे। हमारे पास आधार ए बी, आधार के बराबर हम आधार ए बी बना लें। और अब सबसे पहले हम बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण तो सबको बनाने आता है ना। 90 डिग्री को कोण, डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इसके बाद हम बिंदु बी पर, बिंदु बी पर प्रकार रखेंगे और जो हमारे पास आधार कोण बी के बराबर दिया गया है उसके बराबर प्रकार खोलकर बिंदु बी पर ये कोण बी के बराबर कोण बना लेंगे। जहां पर ये चाप कटती है उसको बी से मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। ये आ गई हमारे पास समकोण त्रिभुज। ये बिंदु आ गया सी। ये जो हमारे पास बी कोण दिया गया है, बी कोण के बराबर कोण बनाया, बी कोण की रेखा इस 90 डिग्री की रेखा को जहां पर काट रही है वो बिंदु आ गया सी। और ये आपका आंसर आ गया समकोण त्रिभुज जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना। क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है धार ए बी और आधार कोण बी बना लिए। अब ए बी के बराबर हमने यहाँ ए बी रेखा ली और बिंदु ए पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रकार खोल ली और ये चाप लगा ली। प्रकार एक बार जितनी खुली है उतनी खुली रहने देनी है। और यहाँ पर एक चाप लगा ली, ये दूसरी चाप लगा ली और यहाँ से ये चाप को काट लिया और ये आपका आ गया 90 डिग्री का कोण। इसके बाद क्या किया हमने, बिंदु बी पर हमने बी कोण जो हमारे पास आधार कोण दिया गया है बी कोण के बराबर कोण बनाया और उसको बढ़ा दिया। ये आपका 90 डिग्री के कोण को जहाँ पर काट रही है ये रेखा, ये आपका बिंदु आ गया सी और जो ये आपका आंसर आ गया जो आपसे पूछा गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।